पीते भी तो लोग बड़े शौक से है ना, क्योंकि वो चाहिए तो फिर वो भी चाहिए, खाने के साथ पीना भी तो चाहिए है? सुनो, ऐसे ऐसे लोग पीते हैं, शादी विवाह पे तो पार्टियां चलती हैं, दावत चलती हैं, और पी पी के पड़े रहते हैं, कहां कहो तो कीचड़ में गिर पड़े। हां, नाचते नाचते ऐसो जोश आवे कि पैर फिसलो नाली में ही गिर पड़े। हाँ, और फिसलने की जरूरत नहीं है, पी के आदमी उड़ने लग जाता है, ऐसा उड़ता है कि कीचड़ में ही घुस गया है। वो कोट पैंट पहना है, टाई पहनी है, है हजारों की, वो सब बेकार हो गई। और आश्चर्य की बात है, जब वो कीचड़ में नाली में गिर जाता है, कुछ ही देर बाद उसके पास में उसका सगा मित्र आता है। कौन मित्र? बोले कुत्ता आता है, कुत्ता। हाँ, तुमने, मैंने आंखों से किसी को देखा इसलिए बता रहा हूं। एक बार जीवन में, एक बार मैं बारात में गया, हरियाणा में कहीं गया था, तो वहां देखा। तो पहले बारात ऐसी नहीं चलती थी, एक जगह ही सब कुछ, पहले बारात जाती थी, तो मैंने क्या देखा कि बेचारा कोई कीचड़ में पड़ा है और कीचड़ से खेल रहा है। हाँ, खेल रहा है, और एक कुत्ता आया, और कुत्ता आके कहो तो उससे बात कर रहा। कुत्ते से बात करते हैं पीने वाले, सही कह रहा हूं, उनकी भाषा वही जाने। कुत्ते से बात कर रहा है, और कहो तो कुत्ता इतना नजदीक आ जाए कि उसकी चाट रहा है, ऐसे उसी को चाट रहा है, और वो खुश हो रहा है। भाई ये नरक नहीं तो क्या है, बताओ? अगर आदमी को इतना भी होश नहीं रहता कि मैं कौन हूं, ऐसे पीने का क्या फायदा, मुझे बताओ। लोग कहते हैं कि नहीं नहीं महाराज, हम तो बस थोड़ा सा लेते हैं, थोड़ा सा। कितना सा? बोले एक लेते हैं, छोटा सा। उससे क्या होता है जी? बोले डॉक्टर कहते हैं वो तो दवाई के काम करता है, दवाई का बहाना ढूंढते हैं पीने का। ये क्या है? बहाना ढूंढ रहा है पीने का, दवाई का काम करता है। अगर ये ही दवाई का काम करे तो बीमार क्यों पड़े दुनिया? तो शराब पीने वाले बीमार क्यों पड़े भाई? कोई किसी चीज की दवाई का काम नहीं करता है, ये बहाने होते हैं। पुराने समय में, प्राचीन समय में, तुमने कथाएं सुनूंगी, कथाओं में क्या हम सुनाते हैं कि राक्षस लोग पीते हैं इसको। कौन पीता है? राक्षस मदरा पान करते थे। राक्षसों की कोई अलग से पहचान नहीं है। शराब पीने वालों के जाने कितनों के घर बर्बाद हो गए, ध्यान रखना, शराब पीने वालों के घर बर्बाद हो गए, कुछ नहीं रहा, तलाक हो रहे हैं, बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन पिएंगे बाबूजी। बातें बढ़िया, तो कुत्ता को मूत पी लो, वो ज्यादा टेस्टी मिलेगा। सही कह रहा हूं मैं, वो ज्यादा टेस्टी है भाई। अच्छा एक बात बताओ, पीने वाले मुझे ये बताओ, कोई अगर यहां पीता हो तो वो खड़े होकर मुझे बताओ उसमें टेस्ट कैसा होता है, कड़वा के मीठा? खैर तुम तो नहीं होंगे, तुम तो कथा सुनने आए हो, भले लोग हैं तुम तो, है ना? हाँ, बहुत अच्छे लोग हैं। बताओ जरा उसका टेस्ट क्या होता है, कड़वा होता है कि मीठा? तुम बताओ संजय, बताओ। नहीं पीते तो कौन पीता है, मुझे पूछना है किसी को टेस्ट कैसा होता है। तुम पीते हो आशीष? तुम पीते हो? अरे यहां तो सब भलों की पंचायत है, मैं तो गलत आए हो यहां है? यहां तो सब अच्छे अच्छे लोग, कोई पीता ही नहीं है। ऐ काय को झूठ बोल रहे हो, माटी के धोंदाओ, काय को झूठ बोलो। उमेश जी नहीं, भगत जी ने तो छोड़ दिया। भगत जी सही है, छोड़ दिया ना उन्होंने, छोड़ दिया कथा के बाद, छोड़ दिया इनके घर जब से कथा हुई, सब छोड़ दिया इन्होंने। लेकिन कई लोग तो कथा भी करवा लेते फिर भी नहीं छोड़ते, देखो यही राक्षसों की पहचान है। भाई अगर पीते हो तो बंद कर देना, अपने आप को बचाना चाहते हो तो। आप सबसे मेरी प्रार्थना है, दो चीजों को त्याग दो, पीना और ये वाला खाना। लोग कहते हैं महाराज सब भगवान ने बनाया है तो क्यों नहीं खाना चाहिए, क्यों नहीं पीना चाहिए, सब भगवान ने बनाया है। हां बात तो सही है, सब भगवान ने बनाया है। हां एक आदमी कह रहा था मुझसे, मैं ऐसे ही कथा में कह रहा था, वो कह रहा था महाराज आपने बहुत गलत बोला। मैंने कहा क्या गलत बोला? बोले ये भी तो भगवान ने ही बनाया है, फिर क्यों नहीं खाना चाहिए। तो मैं हंस करके बोला सुनो इधर आओ। मैंने कहा ये ईंट खाओ इसको।
अरे पत्थर भी भगवान ने बनाया है, ईंट भी भगवान ने बनाई है, दुनिया भगवान ने बनाई है, तो सबको खाओगे? खाने की चीज भगवान ने अलग बनाई है, ये खाने की चीज नहीं है और ना ये पीने की है। लेकिन क्या करें, हमारी जो सरकारें हैं, हमारी सरकारें भी तो ऐसी हैं, धन के चक्कर में ये शराब बंद नहीं होती उनसे हैं? बड़ा बजट होता है शराब का, दुनिया पीती है शराब को। अभी दिल्ली में तो कुछ दिन पहले एक के संग एक फ्री, ऐसो मुख्यमंत्री पैदा भयो दिल्ली में, बाने स्कूलन की बगल में ठेके खेल खोल दिए, बताओ हैं? काय को बनी आए भाई वो केजरीवाल हो रहे हो, केजरीवाल हैं? कोई सोच सकता है, भारत की राजधानी है दिल्ली, बच्चे स्कूल जाते हैं बगल में ठेका, और एक के संग एक फ्री भ्रष्टाचार करने के लिए ऐसा उसने किया। लोग कहते थे कि दिल्ली में सबसे सस्ती शराब हो गई है, सबसे सस्ती। अरे क्यों परिवारों को खत्म करना चाहते हो? क्या शराब ही पैसा देती है दुनिया में, और कोई चीज नहीं बची? मैं तो आपसे हाथ जोड़कर कह रहा हूं, अगर पीते हो तो जरा छोड़ के देखना एक दो महीना, तुम्हारी पत्नी जो अभी क्रोध में रहती होगी ना, तुम्हारे पामन ने धोए के पी बेगी, मैं गारंटी तो कह रहा हूं, तुम छोड़ के देखो एक बार। तुम्हारी पत्नी जो रोती होगी तुम्हें देख देख के, अंदर अंदर घुटती होगी अपने बच्चों की हालत देखकर और तुम्हें देखकर, तुम छोड़ करके देखो, वही पत्नी तुम्हारी पूजा ना करने लग जाए तो मैं लिख के दे सकता हूं, गारंटी है। औरतों का दोष लगाते हो, महिलाओं का दोष लगाते हो, अरे लोग कहते हैं कि ऐसी पत्नी मिले, ऐसी पत्नी मिले, तो तुम भी तो पति बन के दिखाओ, तब मिलेगी ना। पहले राम बनना सीखो, सीता अपने आप मिल जाएगी। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। तो भाई दो चार भी छोड़ दोगे तो कथा को फल मोह मिल जाएगा, छोड़ देना अगर पीते हो तो।